हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम यूनिट 3 पढ़ेंगे, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो उसका बहुत जरूरी एक हेडिंग है, पहला वो आइए देखते हैं, बायो सेवर्ट लॉ। तो हमें ज्ञात करना है बायो सेवर्ट लॉ की वजह से कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ये बच्चों है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं, तो इसके लिए एक डीएल वेक्टर की कल्पना करना पड़ता है और ये वाली एंगल को हम बच्चों थीटा मान लेंगे। एक करंट कैरिंग वायर है और करंट कैरिंग वायर के कारण किसी बिंदु पर हमें, तो वास्तव में हेडिंग कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। वास्तव में ये करंट एलिमेंट के कारण हमें ज्ञात करना है। वास्तव में हमें बायो सेवर्ट ने जो नियम बताया था, करंट एलिमेंट मतलब डीएल लेंथ जो है, छोटा सा एक एलिमेंटल लेंथ या करंट एलिमेंट के कारण बिंदु पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो बायो सेवर्ट ने बताया था कि बिंदु पी पर तो चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड से पहले हमें बच्चों डायरेक्शन के बारे में हम पहले से आपको बता दे रहे हैं कि एक एससी वर्मा की बुक में आपको दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए। तो हमें करंट के डायरेक्शन में दाहिने हाथ को, राइट हैंड को, करंट के जिधर चाहिए होता है, जिस बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर ये चिकना वाला पोर्शन हम लोग करते हैं। जैसे बिंदु पी पे हमें चाहिए तो ऐसे हम रख देंगे, तो ये चिकना वाला बिंदु पी की ओर हो जाएगा और करंट के डायरेक्शन में हाथ को घुमा देंगे, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, कागज तक लंबवत अंदर की ओर होगा। बिंदु पी पर जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ये बिंदु पी बच्चों मैं इधर मान लूं तो ये चिकना वाला पोर्शन इधर करना पड़ेगा और करंट के डायरेक्शन में हम इसे घुमा लेंगे तो ये वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत, बोर्ड के तल के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन इधर वर्टिकली डाउनवर्ड। खूब ध्यान दें, आप सर्किल के लेकर भी आप करंट की जानकारी कर सकते हैं। अगर इस टाइप से करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे कोई दिशा डायरेक्शन पहुंचता है बच्चों, आपका ये हो जाएगा। देखिए ये करंट की डायरेक्शन में आप, इधर हमें ज्ञात करना है यहां, तो करंट की डायरेक्शन में आप घुमा दिए वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर करंट इधर फ्लो करता है तो ये वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की ओर हो जाएगा। अगर करंट ऐसे फ्लो करता है, करंट इस टाइप से चल रहा है और यहां पे पहुंचता है तो ये, तो आज से आपको ख्याल ये करना है। किताब में बहुत सा मेथड दिया है, सब बताया भी जा सकता है, लेकिन हम क्योंकि जरूरी जरूरी ही पढ़ा रहे हैं तो अब हर बातें नहीं बता पाएंगे, फिर भी आगे और कोशिश करेंगे। तो यहां देखिए ये चिकना वाला हाथ तली उधर करिए जिधर ज्ञात करना है और करंट के डायरेक्शन में घुमा दीजिए, तो अंगूठा जिधर की ओर रहेगा वही डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली अपवर्ड और यहां वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आपको ध्यान देना है, तो ये केवल सर्किल के लिए नहीं है, किसी भी डायरेक्शन के लिए, इधर यहां ज्ञात करना है, अगर इधर ज्ञात करना होता तो ये वर्टिकली अपवर्ड होता। आपको ध्यान देना है कि क्रॉस चिन्ह जो है वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए प्रयोग करेंगे और ये डॉट का चिन्ह वर्टिकली अपवर्ड के लिए प्रयोग करेंगे। ये करंट के लिए भी प्रयोग किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो ये तरह ही बात केवल डायरेक्शन की, अब हम डेरिवेशन पर ज्ञात करते हैं। तो एक करंट एलिमेंट के कारण, एक करंट एलिमेंट लेते हैं, इसके कारण बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड बायो सेवर्ट ने कहा है कि निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, तो यहां पे करंट एलिमेंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, इनका कहना है वायर में फ्लो करने वाले करंट के
प्रोपोर्शनल होता है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। इनका कहना है यहां पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंटल लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया एलिमेंटल लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर ये जितना ज्यादा सीधा वायर मिलेगा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा आएगा। तो भाई टेढ़े मेढ़े वायर के लिए जैसे इसमें कितना सीधा मुझे मिल पाएगा, मैं इस टाइप का आकृति ज्ञात करना हो तो डीएल तो इतना ही मिल पाएगा केवल मेरे लिए, तो सीधा कहां मिल पाएगा। तो सीधा ना मिलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा, यहां भी सीधा नहीं मिल पाएगा, सीधा छोटा छोटा मिल रहा है पार्ट, तो एलिमेंटल लेंथ के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और तीसरा इन्होंने बताया है कि पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड वो एल्पांस के साथ ये डीएल के साथ ये जो कोण बनाएगा उस कोण के जैके प्रोपोर्शनल होता है। और चौथा इन्होंने बताया कि बिंदु पी पर मैग्नेटिक फील्ड वो बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही इतनी बात इन्होंने बताया है। बच्चों ये चीज और ध्यान देना है, बहुत ही कीमती चीज है, आप यहां ध्यान दें। ये वर्टिकली डाउनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड तो वर्टिकली डाउनवर्ड काय तल के लंबवत है, ये आर के भी लंबवत होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहां आएगा डायरेक्शन जो वर्टिकली डाउनवर्ड है ये आर के भी लंबवत रहेगा और ये डीएल वेक्टर की भी लंबवत रहेगा। ध्यान दें डीएल वेक्टर हम उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इतना आप हमेशा ध्यान दीजिए, कभी गलती नहीं होगी। तो डीएल वेक्टर जो आप लेंगे डीएल वेक्टर वो करंट की डायरेक्शन में ही लें, आप जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी दिशा में डीएल वेक्टर लिया जाएगा। ध्यान दें तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर ये परपेंडिकुलर रहेंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड के भी अलग अलग परपेंडिकुलर होंगे। लास्ट में वेक्टर पढ़ाते समय हम बताएंगे, अभी इसमें वेक्टर संबंधी जानकारी देंगे। हाँ, कंबाइनिंग देयर रूल्स, कंबाइनिंग दीज रूल्स, इस चारों नियम को हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये बच्चों हो जाएगा डीवी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका फार्मूला आ गया, वेयर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वेयर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हुज वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट का, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो ये बच्चों आपका फार्मूला आया बायो सेवर्ट का नियम। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी बिंदु पर करंट कैरिंग वायर के कारण, करंट कैरिंग वायर के करंट एलिमेंट के कारण किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंटल लेंथ और एलिमेंटल लेंथ के साथ बनाए गए एंगल के ज्या के अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है, जबकि बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। यही बायो सेवर्ट ला है, ये बायो सेवर्ट ने बनाया है, बताया है हमको। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में और गहराई से अध्ययन करेंगे। बच्चों यहां देखिए आप, इन वेक्टर फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वेक्टर है। तो एक चीज आप पहले से जानते होंगे, जब किसी अरेस्टेड का नियम है, जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ये तो आप पहले से जानते होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन फोर पाई हो जाएगा आई, ये हो जाएगा डीएल
रियल वेक्टर गुणे आर वेक्टर अपान आर क्यू। तो ये बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। आप लोग जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, ठीक उसी प्रकार से डीएल क्रॉस आर बराबर हो जाएगा डीएल आर साइन थीटा। तो डीएल एक आर से आर कट जाएगा, फिर यही वैल्यू आपका नीचे वाला स्क्वायर हमको मिल जाएगा। तो वेक्टर में बच्चों ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये डीएल वेक्टर और आर वेक्टर ये परपेंडिकुलर है, तो डीएल वेक्टर को करंट के डायरेक्शन में लेना चाहिए। वेयर थीटा, यहां हमको कहना चाहिए वेयर वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, जहां थीटा जो है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां ये आपको जानना चाहिए आगे के निगमन को, और आगे का निगमन वरना अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। तो डीएल वेक्टर परपेंडिकुलर है क्या, डीबी परपेंडिकुलर डीएल के भी है और डीबी परपेंडिकुलर आर के भी है। जो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउन आ रहा है, ये बच्चों वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आर के भी परपेंडिकुलर है और डीएल वेक्टर की भी परपेंडिकुलर है, ये आपको जानना है। ये यहाँ पे इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आगे के डेरिवेशन में अगर ये बात क्लियर नहीं रहेगा तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो निगमन में इससे ज्यादा नहीं है आपके यहाँ कोर्स में। तो ये बच्चों बायो सेवर्ट का नियम है, हम समझते हैं आसानी से आप समझ गए होंगे। यहाँ थीटा जो है आपको ये बहुत ध्यान देना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए, आप तो ध्यान दिए, और डीएल वेक्टर करंट के डायरेक्शन में लेना है, और थीटा जो है वेक्टर डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो अब बच्चों हम एक रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। यहां एक रिलेशन हम लोग देते हैं, तो हम जस्ट बच्चों अभी पढ़े हैं, हम जानते हैं कि म्यू नॉट अपॉन फोर पाई इज इक्वल टू 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एक इक्वेशन ये होता है, परमिएबिलिटी या फ्री स्पेस, ये कूलम वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, 1/4πε0 बराबर हम लोग जानते हैं 9×10^9। ये हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है अगर आपको भूल रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2/r2। यहां से इसकी यूनिट हो जाएगी ये पूरे r2/Q1 तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर, ये दो कर देते हैं। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू, ये आपके यहां आता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4π लिख लिए, अपॉन इसको करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 4πε0/1 इक्वल टू ये है 10^-7 अपॉन 9×10^9। ये 4π से 4π बच्चों कट जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट गुणे एप्सिलॉन नॉट, ये इसको नीचे हम ले आना चाहेंगे, 7 को नीचे आएंगे तो 9×10^16 हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 1/3×10^8 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आप लोग वैल्यू जानते होंगे,
ये सी की वैल्यू थी, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां से ये वैल्यू हमको मिल गई। अब यहाँ पे इसका यूनिट हमें पूछा जाता है, इसका डायमेंशन हमें पूछा जाता है। अगर ये इस टाइप से कर ले तो ये 1/c केवल हो जाएगा। तो अब यूनिट ऑफ इसका पूछा जाता है, तो यहां से क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। सेकेंड का यस लिखिए, यस स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है, तो ये पलट जाएगा सेकेंड अपॉन मीटर। यहां स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लग जाएगा। अगर यही वैल्यू अंडर रूट में है तो ये आ जाएगा बच्चों सेकेंड अपॉन मीटर हो जाएगा। अगर ये डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपके यहां पूछा जाता है, तो डायमेंशंस के लिए तो आपका हो जाएगा, डायमेंशंस के लिए आपका हो जाएगा एल पावर माइनस वन इंटू टी आपका हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जाता है यहां पे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो सेकेंड टी ऊपर है, एल नीचे वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर अंडर रूट नहीं रहेगा तो यही पावर यहां माइनस टू हो जाएगा और ये भी पावर टू हो जाएगा। अगर ये इसका पूछ लेगा तब यहां पावर बदल जाएगा। तो बोर्ड से रिलेटेड बच्चों इतनी ही जानकारी थी बायोसेवर्ट के नियम में। बायोसेवर्ट का नियम बहुत जरूरी है, ये चैप्टर इन्हीं बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से ही चल रहा है। कुछ जानकारी और हम देंगे केवल डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हम कुछ और जानकारी देंगे। तो जैसे राइट हैंड पाम रूल नंबर वन, राइट हैंड पाम रूल नंबर वन, बच्चों क्लियर करें। देखिए हमने डायरेक्शन जो बताया है अपने तौर तरीके से बताया, अपने तौर तरीके से का मतलब है एससी वर्मा की बुक में दिया, आईआईटी के लिए एक बुक है, आईआईटी क्या सभी परीक्षाओं के लिए सब लोग पढ़ते लिखते हैं उसको, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा। तो उसकी सहायता से तो मैंने तो आपको ये बताया है, जैसे ये वायर है ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैं अगर यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या होगा, यहां पर चाहिए तो क्या होगा, तो यहां पे चाहिए तो वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड का संकेत ये बताया है हमने, और अगर यहां पर चाहिए तो वर्टिकली ये चिकना वाला पोर्शन उधर करिए, ये चिकना वाला पोर्शन उधर करिए जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना, और ये उंगली उधर रहनी चाहिए जिधर करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अंगूठा जिधर जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड दिशा है, तो यहां डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड का संकेत है क्रॉस, ध्यान दें। अब इनके नियम से राइट हैंड पाम रूल नंबर वन, तो हम अपना राइट हैंड को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, और अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में लेते हैं, और अंगुली को उस डायरेक्शन में लेते हैं जिस बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो ऐसे हम रख लिए बच्चों, तो हथेली के ये पाम के धक्का देने की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसका धक्का ऊपर की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन तभी ठीक है। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालो, हाँ इस टाइप से देखो करना होगा, इसका डायरेक्शन इस टाइप से, तो अंगूठा जो है करंट के डायरेक्शन हो जाएगा, अंगुली उस बिंदु की ओर रहेगी जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो ये हथेली जो धक्का देगा वर्टिकली डाउनवर्ड देगा, यहाँ पे हथेली जो धक्का देगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड देगा, तो यहां भी आएगा। चाहे जैसे वायर कर लीजिए आप, चलो ऐसे करता हूं मैं, ऐसे करता हूं तो अगर इधर मुझे ज्ञात करना है और इधर मुझे ज्ञात करना है,
मेरा मतलब मैं डायरेक्शन क्लियर कर दे रहा हूँ, आप किसी सवाल में डायरेक्शन संबंधी जाने मतलब कंफ्यूजन ना पैदा करें। देखिए ये चिकने वाले तरफ पी ले लेते हैं, तो ये देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली करंट की दिशा में उंगली को आप कर मोड़िए, वर्टिकली डाउनवर्ड, कागज तल की लंबवत अंदर की होगा, एस सी वर्मा के नियम से। और यहां अगर लेना चाहे बच्चों, देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, इसे ये इधर लीजिए, तो ऐसे आप घुमा दीजिए वर्टिकली अपवर्ड, सॉरी यहां गलती हो गया, ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड, कागज तल की लंबवत अंदर की ओर। अब यहां देखिए ये वर्टिकली, बच्चों यहां देखे वर्टिकली अपवर्ड, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, ऊपर की ओर के लिए ये नियम है। और आपका ये दाहिने हाथ का नियम बच्चों, ये देखिए जो ये हेडिंग डाले हैं आप, इसके हिसाब से तो आप अंगूठा इस टाइप से कर, अंगूठा रहेगा इधर, वो बिंदु रहेगी, तो ये हथेली के धक्का देने की दिशा में ऊपर की ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस डायरेक्शन में से भी सेम है। और यहां देखिए हथेली का नियम लगाइए, करंट की डायरेक्शन में ये अंगूठा रहेगा और जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना ये रहेगा, तो हथेली धक्का कहां देगा, हथेली धक्का नीचे की ओर देगा, हथेली जिधर पुश करेगा, जो अंदर की ओर पुश करेगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो हम समझते हैं बच्चों आपको डायरेक्शन भी क्लियर हो गया हो और बायो सेवर्ट का नियम भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको अगला हेडिंग आने वाले कल में पढ़ाएंगे, आप बिना डर और टेंशन के पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।